पीडीएम इजलास से पहले बड़ी बैठक, शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान के लिए पुरतकल्लुफ जहराना। मौलाना फजल रहमान हुकूमत से मुज़ाकरात पर अपने तहफ़ुज़ात का इजहार करेंगे। मुलाकात में बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर भी गौर होगा। इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अखलाक अहमद बाजवा। अखलाक, बताइएगा इस मुलाकात में मजीद कौन से उमूर ज़ेरे गौर रहेंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और पीडीएम के सरबरा मौलाना फजल रहमान के दरमियान वन ऑन वन मुलाकात जो है वो इस वक्त जारी है, और मुलाकात 11 अक्टूबर को होने वाले पीडीएम के सरबरा इजलास के हवाले से मशावरत की जा रही है। जबकि ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से जो कमेटी में शिरकत है उस पर अपने और पीडीएम के जो दिले शिकवे हैं और तहफात हैं उस हवाले से अदा करेंगे शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ मौलाना के तहफात दूर करेंगे। जबकि दूसरी जानब मुलाकात के बाद जो है वो शहबाज शरीफ की जानब से मौलाना फजल रहमान के एजाज में पुरतकल्लुफ जो है वो जराने का इस्तेमाल किया जाएगा, और जराने में जो है वो मौलाना फजल रहमान की जो तवादा है वो मुख्तलिफ अनवा के इकसाम के जो खाने हैं उनसे की जाएगी, जिसमें मटन बिरयानी, मटन कौरमा, पालक गोश्त, आलू मटर, और जबकि रोगनी नान, देसी मुर्गी, मटन, चिकन, बारबेक्यू, ग्रिल फिश और कश्मीरी दाल चावल समेत दीगर लवाजमा जो है वो रखे गए। जबकि मीठे में उनके लिए जो है वो तीन किस्म के हलवा जात जो है वो खूसी तौर पर शुभाशी ने तैयार करवाए हैं, जिसमें जो है पिस्ता बादाम पर मुश्तमिल पेठे का हलवा, देसी घी का सूजी का हलवा और दाल का हलवा भी शामिल है। जी बहुत शुक्रिया अखलाक, आपने हमें तफसील आगाह किया।